पीयूष रंजन जी दिल्ली से हैं, पूछते हैं अगर हम परमात्मा हैं और परमात्मा करता है तो हम साक्षी कैसे हुए? आपने पूछा है कि अगर मैं ही हूँ परमात्मा, मेरे भीतर ही है परमात्मा, मैं ही हूँ परमात्मा और परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, तो मैं साक्षी कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि साक्षी का अर्थ है कुछ ना करने वाला। वास्तव में समझने लायक है, जो तुम्हारे भीतर परमात्मा है वो तुम्हारा अनुभव नहीं है, वो तुम्हारा ज्ञान नहीं है, ये तुमने शब्दों से सुना है। उस परमात्मा को अनुभव करने के लिए एक उपाय है, एक डिवाइस है। क्या तुम्हें साक्षी होना पड़ेगा? साक्षी होने का अर्थ है कर्तापन से मुक्त होना पड़ेगा। तुम करने वाले हो, इस भाव को ड्रॉप करना होगा, क्योंकि अभी तुम करने वाले मानते हो अपने को। क्यों? क्योंकि तुम साक्षित्व में नहीं हो, तुम अहंकार में हो, ईगो में जी रहे हो। तुम्हारे भीतर साक्षी नहीं सक्रिय है इस समय, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अहंकार वो कर रहा है। जब तक वो करने वाला है तब तक जो वास्तव में कर रहा है उसका बोध तुम्हें नहीं होगा। अभी तो तुम्हें करने वाले हो। पूरी गीता में अर्जुन कहते हैं मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मैं नहीं मारूंगा तो कैसे मरेंगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कैसे लोग मरेंगे। क्योंकि कर्तापन के स्तर पर जो ईगो है, जो अहम है, वो सक्रिय है। अभी आपका अहम सक्रिय है तो आप सिर्फ जानते हैं शब्दों से कि परमात्मा है मेरे भीतर। परमात्मा आपका अनुभव नहीं है। और परमात्मा आपका अनुभव कैसे बन सकता है? परमात्मा आपका अनुभव तभी बन सकता है जब आप करने का भाव छोड़े, होने के आप सिर्फ हैं। आपके भीतर परमात्मा सिर्फ सूक्ष्म प्रकाश के रूप में स्थित है, तो आप सिर्फ उस सूक्ष्म प्रकाश के रूप में जो परमात्मा की स्थिति है इस शरीर रूपी घर में, उसके साथ तादात्म्य करें, उसके साथ एक होना है। उसके साथ एक होने के लिए शरीर के तल पर जो आपने नाता जोड़ रखा है, विचारों के तल पर जो आपने खूंटी बांध रखी है, जो भावनाओं की खूंटी से आप बंधे हुए हैं, उसके कारण आप कर्ता हुए हैं, करने वाले हो गए, कर रहे हैं। अब यहाँ की खूंटियों से छूटोगे तो स्लिप करके कहाँ जाओगे? सीधे सूक्ष्म प्रकाश में स्थित हो जाओगे। और तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं शाश्वत हूँ। तब पता लगेगा कि शरीर सारा इधर पड़ा है और मैं उसको देख रहा हूँ। तब तुम्हें पता चलेगा, एक और अनुभूति होती है कि मैं विराट हूँ। आपको लगेगा कि ये चांद तारे सब मेरे भीतर है। क्यों लगता है? क्योंकि आप अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो, उतना विराट हो जाते हो जितना कि ये पूरा अस्तित्व है। ये मैं इशारे दे रहा हूँ आपको, कुछ ऐसा होता है। इसीलिए जिनको मिला, जब स्वामी राम को पहली बार ये अवस्था उपलब्ध हुई साक्षित्व की, तब उन्होंने कहा ये चांद तारे सब तो मेरे भीतर है। ये सारा आप इतना एक्सपेंड कर जाते हैं कि सारा विराट अस्तित्व आप उसके आइडेंटिकल हो जाते हैं। तब आपको लगता है कि जैसे नृत्यकार को लगता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ तो उसका नृत्य हो रहा है, उस समय भी आपको यह नहीं लगता कि मैं कर रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं तो सिर्फ खेल रहा हूँ, नृत्य कर रहा हूँ। ये शब्दों के संकेत हैं, समझो उस अवस्था को, शब्दों के संकेत। ये नहीं लगता कि आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम साक्षित्व में आ जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि मैं ही इसकी भी जिंदगी चला रहा हूँ, उसकी भी जिंदगी चला रहा हूँ। आपको लगता है कि ये विराट ऊर्जा, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, मैं वो विराट ही हो गया हूँ, एकाकार हो जाती है उसके साथ। और इस स्थिति को समझने के जो मेरा अनुभव है उसके संकेत आपको दे रहा हूँ। आप इन तीनों खूंटियों से अपने को मुक्त करें तो जो मैंने समझाने की अभी चेष्टा की है इसी अनुभव को आप उपलब्ध होंगे। थैंक यू।